नमस्कार दोस्तों, इंफ्राटॉक के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं ओडिशा से, जहां पर दोस्तों इंडियन डेरिवेटिव्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एप्सिलॉन कार्बन के द्वारा डिसाइड किया है कि वो ओडिशा में एक नया इंटीग्रेटेड कार्बन कॉम्प्लेक्स सेटअप करेंगे और इसके लिए उन्होंने ओडिशा गवर्नमेंट के साथ में MOU भी साइन कर लिया है। दोस्तों इंटीग्रेटेड कार्बन कॉम्प्लेक्स काफी बड़ा कॉम्प्लेक्स होगा, जिसको स्पेसिफिकली झारसुगड़ा में बनाया जाएगा। 10,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट यहाँ पर अगले 10 सालों के अंदर इनके द्वारा की जानी है और 8,75,000 टन पर एनम की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इसकी होगी, जिसको 3 कैटेगरीज में उन्होंने डिवाइड किया है। 5,00,000 टन पर एनम की स्पेशलिटी कार्बन, 3,00,000 टन पर एनम का कार्बन ब्लैक, जबकि 75,000 टन पर एनम की कैपेसिटी एडवांस मटेरियल्स की होगी। झारसुगड़ा को इन्होंने इसलिए सेलेक्ट किया क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पर एक काफ़ी रोबस्ट इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम है। एक बार जब इनका प्लांट बन जाएगा तो 2,000 के आसपास इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी जनरेट हो पाएंगी। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है कैनेडियन लॉजिस्टिक फर्म इवनहोई कैम्ब्रिज से, जहाँ पर दोस्तों देश में उनका लॉजिस्टिक बिजनेस एक्सपांड करते हुए इस कंपनी ने अनाउंस किया है कि वो देश में एक और लॉजिस्टिक पार्क बिल्ड करेंगे और इसके लिए उन्होंने पुणे की जाखल लोकैलिटी को सिलेक्ट किया है। तो सर लॉजिस्टिक पार्क ओवरऑल फैला होगा 143 एकड़स के एरिया में। 3.5 मिलियन स्क्वायर फीट की लॉजिस्टिक स्पेस यहाँ पर डेवलप करेंगे। लोगोस नाम की एक कंपनी जो कि ESR ग्रुप का एक पार्ट है, उनके साथ मिलकर इस लॉजिस्टिक पार्क को डेवलप किया जाएगा, क्योंकि जो लैंड आइडेंटिफाई की गई है फिर एक्वायर की गई है वो इसी कंपनी के पास में है। 1100 करोड़ रुपीज़ के आसपास यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की जाएगी और वैसे मैं आपको बता दूँ कि ये पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट FDI के रूप में होगी और देश के लॉजिस्टिक सेक्टर में FDI के रूप में ये सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट होने वाली है भारत की हिस्ट्री की। गुजरात, तमिलनाडु और इवन महाराष्ट्र में भी अभी कई सारी और लोकेशंस को आइडेंटिफाई करने में लगे हुए हैं, जहाँ पर इनके द्वारा आगे चलकर और लॉजिस्टिक पार्क डेवलप किए जाएंगे। अगली दो अपडेट निकल कर आ रही है केरला से, जहाँ पर दोस्तों वर्क क्लास शिवगिरी रेलवे स्टेशन की डेवलपमेंट के ऊपर अभी काम स्टार्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि द केरला रेल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ने इस रेलवे स्टेशन की डेवलपमेंट को लेकर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट इनवाइट कर दिए हैं। दोस्तों वर्कला शिवगिरी रेलवे स्टेशन एक मेजर रेलवे स्टेशन है जो तिरुवनंतपुरम सिटी में ही आता है और स्पेसिफिकली वर्कला टाउन को सर्व करता है। डेली 20,000 के आसपास लोग इसका इस्तेमाल करते हैं और पिछले कुछ सालों से देखा गया है कि ये नंबर हर साल बढ़ते ही जा रहे हैं और इसी कारण KRDCL इसको रीडेवलप करके एक मल्टी मॉडल या फिर मेजर ट्रांसपोर्ट हमें कन्वर्ट कर देगी। 123 करोड़ रुपीज़ इसके ऊपर खर्च किए जाने हैं, जिसमें एक नई स्टेशन बिल्डिंग, एक डिपार्चर एयर कॉन्कोर्स, नए फुट ओवर ब्रिजेस, एग्जिस्टिंग फुट ओवर ब्रिजेस का एक्सपांशन, इंटरनल रोड्स, सरफेस पार्किंग एरिया, स्टोन वाटर ड्रेन्स, लिफ्ट्स एंड एस्केलेटर्स, ऐसी कई सारी एडवांस फैसिलिटीज जो कि नए स्टेशन पर बनकर तैयार होती हैं वो सब यहाँ पर बनकर तैयार होंगी। और अभी क्योंकि इसका एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट इन्वाइट कर लिया गया है, तब कह सकते हैं कि बहुत ही जल्द ग्राउंड वर्क है वो भी स्टार्ट हो पाएगा। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे से, जहाँ पर दोस्तों MSRDC के द्वारा अनाउंस कर दिया गया है कि इस एक्सप्रेसवे के ऊपर एक और स्टेज अभी पूरी तरह से बनकर तैयार हो गई है और फरवरी के आसपास मोस्टली एंड बेस को ओपन कर दिया जाएगा। दोस्तों मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे की लेंथ ओवरऑल 700 किलोमीटर के आसपास है, जिसमें से नागपुर से शिरडी तक 520 किलोमीटर की स्टेज को पिछले साल मई के आसपास ही ओपन कर दिया गया था, जहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने खुद इसका इनोग्रेशन किया था। अभी भारवी विलेज से इगतपुरी टाउन तक अराउंड 25 किलोमीटर की एक और स्टेज बनकर तैयार हो गई है, जिसमें कई सारे फ्लाईओवर्स, ब्रिजेस, व्हीकुलर ओवरब्रिजेस, 300 मीटर लंबी ट्विन टनल्स और ओल्ड मुंबई नासिक हाईवे पर एक इंटरसेक्शन भी बनाया गया है। अगले महीने इसको ओपन कर दिया जाएगा, जबकि जो पूरा का पूरा एक्सप्रेसवे है और अभी जो रिमेनिंग स्टेज है वो जुलाई के आसपास ओपन हो जाएगी। अगली दोस्तों अपडेट है हमारी नेशनल कैपिटल दिल्ली से, जहाँ पर दोस्तों नरेला सब सिटी को एज ए एजुकेशन हब डेवलप करने के लिए दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अभी काम इनिशिएट कर दिया है और अभी 7 गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस और यूनिवर्सिटीज को यहाँ पर उनके कैंपस सेटअप करने के लिए अप्रूवल दी गई है। दोस्तों पिछले साल दिल्ली के LGD के सामने प्रपोजल रखा गया था कि नरेला को एक एजुकेशन हब के रूप में डेवलप किया जाए, जिसे तुरंत ही अप्रूवल दे दी गई थी और अभी यहाँ पर कई सारी यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशंस को उनके कैंपस सेटअप करने के लिए लैंड भी अलॉट की गई है। टोटल मिलाकर 181 एकड़स ऑफ लैंड इनको दी गई है। गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी, इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन एंड दिल्ली फार्मास्यूटिकल साइंस एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी, इन 7 इंस्टीट्यूशंस और यूनिवर्सिटीज को अभी अप्रूवल दी गई है, जो अगले 1-2 साल के अंदर अंदर उनके कैंपस बनाकर तैयार कर देंगे। अगली दो अपडेट निकल कर आ रही है एक नए सी ब्रिज से, जहाँ पर दोस्तों भारत और श्रीलंका के बीच लैंड कनेक्टिविटी के लिए हमारी इंडियन गवर्नमेंट एक नया सी ब्रिज प्लान कर रही है इंडिया और श्रीलंका के बीच, और अभी अगले कुछ ही हफ्तों के अंदर अंदर हमारी गवर्नमेंट इसकी फिजिबिलिटी के ऊपर काम स्टार्ट करने वाली है। दोस्तों सी ब्रिज को तमिलनाडु के धनुषकोडी से श्रीलंका के तलेमनार के बीच में बनाने की बात की जा रही है। 23 किलोमीटर के आसपास इसकी लेंथ होगी, काइंड ऑफ मुंबई ट्रांस हार्बर सेलिंग जितना ये लंबा होगा। और अगर आपको पता हो तो धनुषकोडी और तलेमनार दोनों ऐसी लोकेशंस हैं जिनका रामायण में जिक्र किया गया है। धनुषकोडी वो प्लेस है जहाँ से राम सेतु स्टार्ट होता है, जबकि तलेमनार वो प्लेस है जहाँ पर राम सेतु खत्म होता है। और अगर यहाँ पर सी ब्रिज बनाया जाता है
तो दोनों कंट्रीज के बीच जो बायलेटरल ट्रेड है वो तो एक्सपांड होगा ही होगा, साथ साथ टूरिज्म को भी काफी बड़ा बूस्ट मिलेगा। हालांकि भी जो फिजिबिलिटी कंडक्ट की जाएगी उसी के बेसिस पर ये बताया जाएगा कि यहाँ पर सी ब्रिज बन भी सकता है या फिर नहीं, और अगर फिजिबल भी होता है तो क्योंकि सी ब्रिज बनाने में काफ़ी ज़्यादा खर्चा भी आता है तो फाइनेंसिंग भी काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम होगी। देखते हैं कि आगे चलकर इसको लेकर क्या अपडेट्स आती हैं। अगली दो अपडेट निकल कर आ रही है हैदराबाद मेट्रो से, जहाँ पर दोस्तों हैदराबाद मेट्रो के एक्सपेंशन के लिए तेलंगाना के सीएम ने इसका सेकेंड फेज अप्रूव कर दिया है और अभी हैदराबाद के और एरियाज में मेट्रो कनेक्टिविटी मिल पाएगी। दोस्तों हैदराबाद मेट्रो के फेज वन में अभी 3 कॉरिडोर ऑपरेशनल हैं, अभी इसके दूसरे कॉरिडोर में 2 एग्जिस्टिंग लाइन्स को एक्सपांड किया जाएगा जबकि 4 नई लाइन्स बनाई जाएंगी। थोड़ा सा आपको मैं डिटेल में बताऊं तो लाइन 2 को MGBS मेट्रो स्टेशन से फलकनुमा तक 5.5 किलोमीटर और फलकनुमा से चंद्रयनकुटा तक 1.5 किलोमीटर तक एक्सपांड किया जाएगा। लाइन 3 को 2-3 अलग अलग डायरेक्शन में 29 किलोमीटर तक एक्सपांड किया जाना है, जबकि मेलार देवीपल्ली से हाईकोर्ट तक 4 किलोमीटर की नई लाइन, रायदुर्ग मेट्रो स्टेशन से बायोडाइवर्सिटी जंक्शन तक 8 किलोमीटर की एक और नई लाइन, मियापुर मेट्रो स्टेशन से पाटन चेरू तक 14 किलोमीटर की एक नई लाइन, जबकि लास्ट में LB नगर से हयात नगर तक 8 किलोमीटर की एक और लाइन का यहां पर कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। टोटल मिलाकर दूसरे फेज में 70 किलोमीटर ऑफ मेट्रो नेटवर्क का कंस्ट्रक्शन किया जाएगा, जिसके चलते हैदराबाद के डिफरेंट कॉर्नर्स को हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्टली जोड़ा जाएगा। और अभी बस यही उम्मीद है कि अब ये काम टाइम पर कंप्लीट हो पाएगा। अगली दो अपडेट निकल कर आ रही है इंदौर से, जहाँ पर दोस्तों इंदौर की लोकल अथॉरिटीज ने डिसाइड किया है कि वो इंदौर को एक सोलर सिटी के रूप में डेवलप करेंगे और अभी उन्होंने टारगेट सेट कर दिया है कि अगले एक साल के अंदर अंदर इसको वो कंप्लीट करेंगे। दोस्तों वैसे तो हमारे देश में बहुत सारी ऐसी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन हैं जिनके द्वारा दावा किया जाता है कि वो उनकी सिटीज़ को सोलर सिटीज़ में कन्वर्ट कर देंगे, पर क्योंकि ये काम करना थोड़ा डिफिकल्ट है तो किसी भी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा कोई स्पेसिफिक टारगेट सेट नहीं किया गया है कि कब तक वो उसको सोलर सिटी बना देंगे। लेकिन इंदौर के केस में यही डिफरेंस है कि इंदौर की लोकल अथॉरिटीज ने टारगेट सेट किया कि अगले एक साल के अंदर अंदर इंदौर को एक सोलर सिटी में कन्वर्ट किया जाएगा। अभी मीडियम टर्म में टारगेट ये है कि अगले 3 महीने के अंदर अंदर इंदौर में 25,000 से 30,000 रूफटॉप सोलर सिस्टम को इंस्टॉल कर दिया जाए, इंदौर में जितनी भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं सब में सोलर सिस्टम को इंस्टॉल किया जाए। अगले 3 महीने के अंदर अंदर इंदौर में सोलर एनर्जी को लेकर जो काम होगा और उसके जो आउटकम्स होंगे उसी के बेसिस पर यह देखा जाएगा कि रिमेनिंग टाइम में जो सोलर सिटी को कन्वर्ट करने का टारगेट है वो कैसे कंप्लीट किया जाए। आज की दोस्तों लास्ट अपडेट निकल कर आ रही है बिहार से, जहाँ पर दोस्तों मेडिकल एजुकेशन को इम्प्रूव करते हुए बिहार के समस्तीपुर में एक और मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार हो गया है और अभी बिहार के सीएम के द्वारा इसका इनोग्रेशन करते हुए इसको स्टूडेंट्स के लिए ओपन भी किया गया है। तो उससे मेडिकल कॉलेज का नाम श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल रखा गया है, क्योंकि इस मेडिकल कॉलेज को बनाने के लिए जानकी मठ के द्वारा लैंड डोनेट की गई थी। अराउंड 100 MBBS सीट्स ये ऑफर करेगा और ऐसा कहा जा रहा है कि इसको बनाने के लिए ओवरऑल 591 करोड़ रुपीज़ खर्च किए गए हैं, जो अभी अपनी सर्विस देने के लिए तैयार है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।